हेलो नमस्कार स्वागत है आप सभी का डा टू सेवन आई एस पर चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा और क्या क्या है आज की चर्चा में खास सीधा आएंगे टॉपिक पर नहीं करेंगे इधर उधर की अभी कोई बात करेंगे बीच में तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनफैक्ट पढ़ने क्या जा रहे हैं सीखने जा रहे हैं तो आज का जो मेरा सबसे फेवरेट है हाला सारे ही फेवरेट है लेकिन एक होता है ना आपके दिल के बड़ा करीब होता है तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया कांट रिस्क Oil price तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव खासकर अगर चढ़ाव होता है तेल की कीमतें बढ़ जाती भारत उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता एक सामान्य सा विषय है जिस पर लिखा गया तो यह दिखने में सामान्य है लेकिन बड़ा ही असामान्य है यानी ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जियो पोलिटिकल क्राइसिस यानी वर्तमान भू राजनीतिक संघर्ष के दौर में यानी भू राजनीतिक संघर्ष आप अभी पढ़ेंगे कि कई जगहों पर वॉर हो रहा है और भी कई कई इश्यूज हैं जिसके कारण से तेल की कीमतें बढ़ेंगी और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया की इकोनॉमी पर और उसके बाद अगर इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ता है तो स्वाभाविक है फिर इकोनॉमी का यानी जीडीपी पर पड़ता है तो उसका क्या क्या असर पड़ेगा यानी गरीबों पर भुखमरी पर समावेशिता पर तो ये टॉपिक आज आपको एक नई चीज सिखाने जा रहा है कैसे हम इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों जीएस पेपर टू के जो इश्यूज होते हैं उसको किस प्रकार से जीएस पेपर थ्री यूनिट वन इकोनॉमी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस यानी संसाधनों को जुटाना प्लस जीडीपी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो आज आपको सिखाने जा रहे हैं कि आई कैसे हमारी जीडीपी को प्रभावित करेगा यानी जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ है वह किस प्रकार से हमारी जीडीपी को प्रभावित करेगा और इसी बिहा आपको क्वेश्चन कराऊंगा जैसा कि यूपीएससी ने आपसे में पूछा कि भाई पोटेंशियल जीडीपी के कौन से डिटर्मिनेंट होते तो आज आप सीखेंगे कि भाई पोटेंशियल जीडीपी के बड़े डिटरमिनेंट होते जो मैंने लिखवाए उसकी पूरी लिस्ट है पहले भी तो पढ़ा चुका हूं लेकिन यहां पर एक नई लिस्ट में एक नया नाम आएगा कि भाई पोटेंशियल जीडीपी के डिटर्मिनेंट में कौन सा है या, जियो पोलिटिकल पीस यानी भू राजनीतिक संघर्ष नहीं होना चाहिए शांति होनी चाहिए यानी अंतरराष्ट्रीय शांति भी पोटेंशियल जीडीपी का एक डिटर्मिनेंट है क्या आपने कभी सोचा इस विषय में कि संभावित सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण आधार अंतरराष्ट्रीय शांति है अगर नहीं सोचा तो अब यहां से सोचिए ऐसे ही बहुत डीप इसमें लेकर के चलूंगा आपको सिखाऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर क्या होते हैं किस प्रकार से जियो क्राइसिस किसी भी देश के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर को प्रभावित कर सकते हैं क्या भारत के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर को जो वर्तमान जियो सिस्टम है वो प्रभावित कर रहा है अगर प्रभावित कर रहा है तो भारत के पास क्या ऑप्शन है क्या विकल्प है क्या भारत को अपनी एनर्जी सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना चाहिए यानी ऊर्जा क्षेत्र सामने क्या समस्या है क्या चुनौतियां इन सभी विषयों पर एक गंभीर चर्चा मजा आ जाएगा जीएस पेपर टू थ्री और सभी से इसको कनेक्ट करूंगा और साथ ही बहुत से ऐसे जिसमें दो में पूछा गया है बिजनरी डिसीजन नहीं चिंतन एक खेल की तरह ये तभी प्रारंभ होता है जब कोई अपोजिशन में होता है तो आज यहां पर आपको वो निबंध भी कराऊंगा और भी बहुत से दूसरा टॉपिक हम महिलाओं के ऊपर पढ़ेंगे वुमेन इंपावरमेंट के ऊपर और जीएस वन सोसाइटी उसके साथ साथ एसे इनफैक्ट एसे पर ही ज्यादा फोकस होगा कि भाई महिलाएं जो काम कर रही क्या वो न्यायोचित वर्ताव प्राप्त कर रही है दो का एसे आपसे पूछा था तो इस डेटा के हिसाब से हम वुमेन इंपॉवरमेंट पर कुछ बातचीत करेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर कुछ बातचीत करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा तो ये दो टॉपिक हो गए इसके साथ साथ यानी प्रीलिम्स के लिए अमेरिका का चंद्रयान मिशन क्या है यानी उनका अपना चंद्रमा मिशन क्या है उसके बारे में बातचीत करेंगे जो उन्नीस के बाद फिर से इंट्रोड्यूस हुआ लगभग पचास साल के बाद तो क्या है इसकी इंपॉर्टेंस के लिए ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण प्लस 2004 में पूछा गया ए से ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष का तीव्र आकर्षण संपूर्ण संपूर्ण विश्व में है तो ये जो ऑफ स्पेस अगर ये फिर से के रूप में आ गया तो आप इसको एग्जाम्पल के रूप में यूज कर लेंगे तो सिंपल सी बात है हम हम फिर इसके बाद लोग पढ़ने जा रहे हैं हायर एजुकेशन में इथिक्स और वैल्यू की जरूरत क्यों है इनफैक्ट उच्च शिक्षा में मूल्य और नैतिकता बड़ा ही गजब का टॉपिक है इसके द्वारा हम 2017 में एपीजे अब्दुल कलाम सर का जो स्टेटमेंट आया था उसको आपको कराएंगे जीएस पेपर फोर में इसके साथ जीएस पेपर फोर की यूनिट वन अगर आप देखेंगे तो लास्ट में लिखा हुआ मूल्यों के विकास में परिवार समाज और शैक्षणिक संस्थानों के यानी वैल्यू को इंकलकेट करने में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल और ये टॉपिक पूरा पूरा जाकर के कनेक्ट हो जाएगा हंड्रेड परसेंट इथिक्स प्लस जीएसटू के साथ तो कनेक्ट करेंगे ही करेंगे क्योंकि वहां पर एजुकेशन एक पार्ट है जीएस पेपर टू में सोशल जस्टिस का बहुत अच्छा टॉपिक है शॉर्ट एंड क्रिस्प बहुत अच्छा लगेगा कम से कम इथिक्स का एक बड़ा मजबूत पार्ट आप पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी ने एक इनिशिएट लिया है वो इनिशिएट क्या है और उसका क्या यूज होगा वो हम लोग पढ़ेंगे बहुत बढ़िया टॉपिक है ये आपको बहुत मजा लाएगा बहुत बहुत ही अच्छा मतलब दिल खुश करने वाला टॉपिक है और फिर उसके बाद हम जीआई टैग की पूरी सूची ही देने जा रहे हैं उड़ीसा वाला कल मैंने करा दिया और भी कई राज्य हैं जहां के कई कई प्रोडक्ट हैं उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला पूरी लिस्ट तो आज जीआई टैग पर अब कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा अभी आपने ओडिशा पढ़ा सभी राज्यों के बारे में आपको कंटेंट देने जा रहा हूं बहुत ही शानदार ऐसे नहीं केवल सूचना नहीं है किसी को मिला है तो रीजन क्या है एक एक चीज मजा आएगा और इसके बाद बबलू बबलू के बारे में आप लोगों को बताया था स्लॉथ बियर बबलू की मृत्यु हुई बबलू का आयुषन स्टेटस वगैरह आपको जानने की जरूरत है क्योंकि ये ऑब्वियस है ये इंडिया का ओल्डेस्ट स्लोथ बियर था तो स्लोत भालू इसका आयुष्यन स्टेटस आपको पता होना चाहिए तो ये चल, आज 9 जनवरी चलिए शुरू करते हैं और देख सकते हैं डीप टॉक यानी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सीधे आपको मिले तो जीआई टैग के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं इसके अलावा यूजीसी का हम पढ़ने जा रहे हैं मूल्य प्रवाह टू यही है एजुकेशन में शिक्षा में हायर एजुकेशन में उच्च शिक्षा में मूल्य और नैतिकता के विकास का क्या है बेस यानी इसी के द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 के द्वारा ही हम एजुकेशन में वैल्यू और उसके साथ साथ एथिक्स को आगे बढ़ाएंगे क्या है उसके बारे में डिटेल आगे करेंगे एक लबिंग डे राइटिंग डे 147 और बहुत बढ़िया अब हम लोग केवल दो दिन बचे हुए बहुत अच्छी चीज एक दिन फिर हम सेलिब्रेट करेंगे जैसे आप देखते होंगे खेल होता है लोग जो भी प्लेयर 50 बनाता है सेलिब्रेट करता है फिर 100 बनाता है फिर सेलिब्रेट करता है 150 बनाता है सेलिब्रेट करता है तो हमने 50 पर भी किया था 100 पर भी किया था 150 पर भी सेलिब्रेट करेंगे फिर से जे जो भी बच्चे हैं उनकी कॉपियां इसके अंतर्गत आएंगी और अच्छा लगेगा हमको भी तो खूब बढ़िया से आप लिखते चलिए वाट डू यू नो अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर आप यानी जो भी मेन्स लिख रहे हैं व्यापक या समष्टि भी या आप यहां व्यापक शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं और समष्टि शब्द भी इस्तेमाल करते हैं आप समस्ट आर्थिक स्थिरता संकेतकों के बारे में क्या जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर भाई किससे पता चलता है किसी भी देश की इकोनॉमी अच्छी है उसके बारे में क्या जानते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट पूरी लिस्ट आगे दी गई है फिर इसके बाद आता है जियो पोलिटिकल क्राइसिस हैज द एबिलिटी टू डिस्टर्ब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री यानी आई को लपेट दिया इकोनॉमिक्स में यही एंगल आपको एग्जाम में लेके चलना है ध्यान इंपैक्टिंग आर इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्कस कराना है यानी आप देख सकते हैं भू राजनीतिक संकट देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता को बिगाड़ने की क्षमता रखता है। क्या रखता है भू राजनीतिक संकट देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता को बिगाड़ने की क्षमता रखता है जिससे हमारी आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है चर्चा करें तो हमने आईआर और इकोनॉमी को कनेक्ट किया है इसी आई आर इकोनॉमी के साथ एक नई अप्रोच आज आपको सिखाऊंगा कि जब भी आप आई आर भी सेगमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको यह देखना है कि इसके और कौन से एंगल हो सकते हैं क्योंकि अगर आप मल्टी डायमेंशनल लेकर के अप्रोच चलते हैं तो स्वाभाविक है आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा और इसके पीछे का बेस भी है आप खुद सोचिए कि पॉवर्टी का आकलन करने के लिए यानी पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए पहले से बहुत से इंडेक्सेस थे तो मल्टी मल्टीडाइमेंशनल पावर्टी का मेजर करने का टूल क्यों अपनाया गया आप स्वयं बताएं कि जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के जितने भी बेसिक्स होते हैं जिनके बेस पर वो निकाली जाती है इसको निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे पास तो पहले से ही थे ढेर सारे यूपीएससी ने भी पूछा आपसे कि ये क्यों ज्यादा अच्छा तो भाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कई कोणों से कई एंगल से आपको चेक करता है कि आप गरीबी की स्थिति में है कि नहीं और वो कई चीजें क्या होती जो किसी भी मनुष्य के लिए बेसिक होती हैं तो गरीबी आकलन करने के पहले भी तरीके थे लेकिन जो बहुआयामी अप्रोच होनी चाहिए थी वो एमपीआई में ही सामने आती है तो ऐसे ही समय के साथ आपको भी अपने विचार बदलने होते हैं और इस व्यवस्था में जो एक्सपर्ट कर रहे हैं उसी को कॉपी करके आप अपनी कॉपी में उतार दीजिए कि भाई मल्टी डायमेंशनल से हमें आंसर लिखना है तो ये अभी पूरा टॉपिक क्लियर करा दूंगा। मजा आ जाएगा डे डाइमेंशनल कोशिश करेंगे दिरे -दिरे की कल तीस करें, ऐसा कुछ करेंगे ठीक है अब देखिए कितना बढ़िया लिखा गया है मतलब गजब ही है मजा ही आ गया ठीक है अरुण शर्मा सोनिया कृष्णा मिश्रा और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यही कि जैसे टीचर को क्या किया जाता है बांट दिया जाता है कि यहां वाले हिंदी मीडियम वहां वाले इंग्लिश इंग्लिश मीडियम ये ये हिंदी आप ट्रस्ट करिए इतना बढ़िया लगता है कि जब दोनों माध्यमों के बच्चे चूंकि देखो ये कॉम्पिटिशन है जब एक दूसरे की कॉपियां देखेंगे एक दूसरे के साथ मिलेंगे जुलेंगे जो लेवल है और बेहतर होगा लेकिन हमने क्या किया हमने बांट दिया तो वो ठीक नहीं बहुत अच्छा यहां लगता है कि एकलव्या ने सबको जोड़ के रखा तो कल का प्रश्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता अरुण शर्मा सोनिया कृष्णा मिश्रा लोकुश गरिमा कुमारी आरती यादव हुसैन बैषणवी गुप्ता अश्विन पूजा वाला नीलम कुमारी निधि यादव समरीन जैस्मीन अनुसाकिया पूजा प्रजापति आयुषी नेहा सिंह ईशा नीतू प्रज्ञा पटेल मनीष सिंह अंजलि भारती हर्षित सृष्टि कुमारी बहुत बढ़िया और अर्जुना एमसीक्यू में 22 बच्चों का है पूजा रुचि दीक्षा रविंद्र जाट राहुल कुमार ब्यूटी सिन्हा सिन्हांद नारायण शुक्ला प्रिया मिश्रा ईशा नेहा सिंह स्नेहा नीतीश कुमार प्रीति पाठक तनु नीम रोहित मीना रोशनी पटेल रानी कुमारी लूसी सिंह अनिशा वर्मा पंकज चौधरी हिमांशु पांडे और उमाकांत वर्मा अर्जुना एडिटोरियल चैलेंज भी होता है तो जो भी सैटरडे की क्लास होती है उसमें मैं टॉपिक के साथ साथ एक एडिटोरियल भी बनाने को आपको देता हूं ये आपका हर सैटरडे होता है ध्यान रखिएगा इंटरव्यू आज हम डेट थर्टी टू पहुंच गए हैं तो आज पहला टॉपिक हम ले रहे हैं भारत का सबसे बुजुर्ग स्लात भालू इसकी मृत्यु हो गई है अब स्वाभाविक है क्योंकि भारत का सबसे बुजुर्ग सबसे ओल्डेस्ट तो जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो वहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं जिसको मैं एफ एस एल फार्मूला कहता हूं यानी एफ एस एल एफ का मतलब हो गया पहला एस का मतलब हो गया एकदम स्पेशल एल का मतलब होता है लास्ट तो ये स्पेशल है यानी स्पेसिफिक है विशिष्ट है कि सबसे बुजुर्ग भालू तो ऑब्वियस इसके बारे में आपको सारी चीजें प्रिलिम्स के लिए देखनी चाहिए तो पहले हम लोग पर बात करके और फिर आगे बढ़ेंगे तो आइए जरा देखते हैं आ किस अब देखिए हो सकता है कि स्लात भालू पर यानी बबलू पर क्वेश्चन ना पूछे छोटे छोटे में तो मेंसेंट पूछा जाएगा आईएस में हो सकता ना पूछे तो क्या पूछेगा हम पढ़ यूपीएससी क्या करता चौंकाता है हमने सलात भालू के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ा उसने कहा बेटा ये नहीं पूछेंगे हम क्या पूछेंगे ये कहा यानी इसकी मृत्यु कहां हुई बन बिहार नेशनल पार्क कम एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैब सेंटर मेरे प्यारे बच्चों इन भोपाल मध्य प्रदेश तो अब कुछ नहीं पूछेगा पूछेगा बन बिहार राष्ट्रीय उद्यान सह पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र कहां स्थित है या इसको भी देगा तीन और देगा और उसके बाद लिख देगा ये कहां कहां पर स्थित है और पूछेगा कौन सा पेयर मैच करता है कौन सा पेयर मैच नहीं करता तो हो सकता है ना पूछ के ही तो इसको भी पढ़ लीजिएगा फॉर प्रीलिम्स बन बिहार राष्ट्रीय उद्यान सह बचाव और पुनर्वास केंद्र याद रखिएगा अब इसके बाद आता है यहां पर स्लाक भालू के बारे में तो पहला वर्ल्ड का स्लॉथ बियर डे कब मनाया गया अक्टूबर 12 2022 ये डेट भी आपको याद रखना क्योंकि ये पाए जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यानी भारतीय उपमहाद्वीप महाद्वीप में तो इसीलिए यह दिवस मनाया गया कि इनको संरक्षित किया जा सके याद रखेगा तो एक पॉइंट आपको यह ध्यान रख लेना है ठीक है ना अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां से स्लॉथ बियर के बारे में सारी जानकारी कहां पाए जाते हैं इंडियन कॉन्टिनेंट में अब आप देखिए देशों का नाम लिखा भारत नेपाल और भूटान और श्रीलंका तो ये एकदम से याद कर लीजिएगा ये जो प्रीलिम्स का पॉइंट है आपके लिए महत्वपूर्ण है ये एक पॉइंट आप यहां बना लीजिए अब इसके बाद इनका यानी किस वातावरण में ये रहते हैं ये भी महत्वपूर्ण होता है ठीक है ना तो इनका जो वातावरण जिसमें ये रहते हैं डाइवर्स एनवायरमेंट इनको चाहिए जैसे ग्रासलैंड में भी रहते हैं यानी घास के मैदानों में इसके अलावा स्क्रब स्क्रबलैंड यानी झाड़ियों में और उसके साथ साथ है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी उष्ण कटबंधी जंगलों तो अब ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक हो सकता है स्लोत बियर के बारे में ऐसे ना पूछे यही लिख दे कि ये ऐसे लिख देगा ये भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी हैं भारत नेपाल भूटान और श्रीलंका में पाए जाते हैं और इस, इस प्रकार के एटमोस्फियर में रहते हैं ठीक है ये किसके बारे में बात हो रही है तो आप ऑबियस है सुलत बियर इस हिसाब से भी यूपीएससी आपको परेशान करता है तो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है अब इसके बाद आता है ये बियर किस प्रकार के होते हैं तो आप देख सकते हैं होते हैं को फैगस बोरस याद यानी ये क्या करते हैं ये मतलब शाकाहारी भी मांसाहारी भी दोनों होते हैं सिंपल सी बात है तो इसी को बोलते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है माय मायरमेर फैगस इसको आप याद कर लीजिएगा ठीक है ओमनी बोरस तो अब यही प्रीलिम्स में आ सकता है मान लो ये भी कुछ ना पूछे बियर भी ना पूछे अब इसकी खाद्य आदतों के बारे में इसकी फूड हैबिट के बारे में पूछ ले तो फूड हैबिट में कुछ भी ना लिखे पुलथ बियर के बारे में क्या लिख देगा कि मायरमे को फैगस ओमनी बोरस ये लिख देगा के बारे में दी, जो, जो भी स्टेटमेंट दिएगा कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है तो अब आप देख सकते हैं मर्मे को फैगस जो ओमनी बोरस यानी सर्वाहारी होते हैं ये वैसे जानवर होते हैं जो चीटियों और दीमकों को खाते हैं बट साथ ही ये वेजिटेरियन यानी अपने भोजन में अन्य खाद्य पदार्थों को भी शामिल करते हैं इसीलिए इनको कहा जाता है ठीक है इनका नाम एक दिया गया है मरमे को फैगस ओमनी तो अगर स्लॉथ बियर के बारे में पूछे तो भी यही हमें ध्यान में रखना हो सकता है कुछ ना पूछे केवल इसी के बारे में पूछ ले कि कंसीडर द फॉलोइंग कंसिडर दिगार्डिंग मर्मे को बारे में मैंने बता दिया भैया ये ठीक है शाकाहारी मांसाहारी दोनों है ठीक है चीटियां दीमक खाते हैं लेकिन उसके साथ साथ यानी बहुत से वेजिटेरियन चीजें भी खा लेते हैं ठीक है ना अब इसके बाद आता है इनकी और कौन सी उप प्रजातियां होती हैं उन दोनों के नाम लिखे हैं मेलर्सस उर्सिनस और उसके बाद मेलर्सस तो ये दोनों आप नाम याद रखिएगा अब आता है ये जो हैटस है ये श्रीलंका में पाया जाता है कौन सा ये वाला जो है ये कहां पाया जाता है ये श्रीलंका में पाया जाता है ये देख सकते हैं श्रीलंकन बियर इसको आप याद रखिएगा और जो मेलर्सस है ये अब इंडिया बांग्लादेश नेपाल और भूटान में पाया जाता है तो यह भी आपको पता होना चाहिए चूंकि इंडिया का सबसे ओल्ड था कभी कभी पूछ लिया और एनवायरमेंट में ऐसे घुस के पूछता है तो शायद हम लोगों की स्थिति अच्छी हो जाएगी ठीक है ना तो अब इसके बाद आता है इनका हैबिटेट एंड बिहेवियर जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है एनिमल बिहेवियर पर यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है इसलिए यहां पर वो चीज भी आपके लिए लगा दी गई है कि ये यानी कहां पर निवास करते हैं ड्राई एंड मॉयस्ट फॉरेस्ट में यानी ऐसे जंगलों में रहते हैं जो सूखे होते हैं और नम होते हैं याद रखिएगा और ये लोअर यानी कम जहां पर वृक्षों की ऊंचाई कम होती है ये ऐसे जंगलों को पसंद करते हैं ये भी यहां पर लिखा गया है फिर इसके बाद इनकी आदतों के बारे में इनके बिहेवियर के बारे में बताया गया जैसे ये स्नॉट करते हैं खर्राटे लेते हैं घुरघुराते हैं जिसको हम ग्रुनिंग करना कहते हैं इसके अलावा ये दो पैरों पर खड़े भी हो जाते हैं तो ये उनके बारे में बताया गया है और ये आमतौर पर नॉन होस्टाइल नेचर के होते हैं यानी किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखते लेकिन अब आप इनके मुंह में उंगली दोगे तो कुछ ना कुछ ये बोल ही देंगे सिंपल सी बात है तो ये यहां पर इनके बिहेवियर के बारे में लिखा हुआ है ठीक है तो दीमक के घोंसलों या मधुमक्खी के छत्तों पर ये अटैक करते हैं आप देख सकते हैं और ये क्या होते हैं रात्रि में अपना अपनी एक्टिविटी करते हैं और अक्सर अकेला रहना पसंद करते हैं याद रखेगा बट कहीं कहीं समूह में भी रहते हैं बट इनका जो मेन बिहेवियर है कि अक्सर ये एकांत में रहना पसंद करते हैं याद रखेगा अब आता है इनकी कंजर्वेशन स्टेटस क्या है तो इसकी आयुषियन जो स्थिति है बल है ठीक है असुरक्षित है संवेदनशील है लेकिन बलनरेबल ही आप पढ़ेगा तो वहां हिंदी में कोई भी भाषा ट्रांसलेट होकर आएगी तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है आप ध्यान रखेंगे ठीक है ना अब इसके बाद आता है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उन्नीस सौ बहत्तर नाइनटीन सेवेंटी टू भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उन्नीस सौ बहत्तर की कि किस शेड्यूल में है शेड्यूल वन में है आप देख सकते हैं तो यह भी आपके लिए एक बढ़िया सा कंटेंट हो गया और इसको आप इंजॉय करिए अब आता है इस प्रश्न पर विचार कीजिए स्लॉथ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू स्लॉथ बियर स्लॉद भालू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें फटाफट बताइएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन सॉरी ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन एंड द आंसर इज सी ठीक है ना केवल तीन मेरे प्यारे बच्चे आप देख सकते हैं ठीक है अब इसको आप निकालिएगा देखिए कैसे है इनडेंजर्ड है क्या कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं लुप्त प्राय है क्या अभी आपको यहां बताया गया बहुत से बच्चों ने बीमारा कंजर्वेशन स्टेटस बलनरेबल है बच्चे संवेदनशील है इनडेंजर्ड नहीं है तो फिर काहे को गलती करना इसीलिए मिस्टेक ऐसे ही होगी और ऐसे ही आप परेशान होंगे इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये कभी मत समझेगा कि अड्डा टू फोर अपने आप में गजब की है जब आप ऐसे ही आप सोचिए कि दुनिया में पैंतीस टेस्ट आपको मिलते हैं थर्टी फाइव कहीं भी आप पता कर लीजिए बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट हम पचास दे रहे हैं और सब में आपके लिए स्टेप बाई स्टेप, स्टेप सिखाया गया है कि कैसे आपको चीजों को सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन 2023 हजार की तरह अगर 24 में खूब सारे आ गए बड़ी परेशानी होने वाली इसलिए आप प्लीज खूब टेस्ट लगाएं हमारी भी लगाएं अगर आपको किसी और का मन है लेकिन हमारी लगाने के बाद आपको इधर उधर कहीं से भी परेशान होने की जरूरत नहीं यानी अड्डा टपुर से बनाइए तो क्योंकि हमने उसको बनाया इसी पैटर्न पर याद रखें कि भाई कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों अब जैसे ही अभी न्यूज में था कि उनकी मृत्यु हुई तो हमने भी लिखा भाई कि यह समाचार में था यह वहां भी लिखा हुआ क्यों सही है रीजन लिखिए क्यों गलत है रीजन अपनी डायरी में लिखिए और फिर धीरे धीरे आप देखोगे आप स्वयं अपने गुरु बन जाओगे आपको किसी से कभी कोई तकलीफ नहीं होगी कि यार मैं दिल्ली नहीं पढ़ पाया मैं यहां नहीं पढ़ पा आपको लगे आपके घर टेस्ट सीरीज पहुंच गई और केवल सॉल्व नहीं है आपको अपनी हर एक ताकत अपनी हर एक कमजोरी पर लिखना है फिर बहुत से मेथड भी बताए गए हैं और इन पर मेरा एक वीडियो भी जाएगा याद रखेगा यानी हर टेस्ट को कैसे यूज करना है मेरा एक वीडियो रहेगा उसमें क्यू कोड जैसे ही आप डालेंगे उसमें एक सुंदर सा वीडियो रहेगा वो बता ही देता हूं हल्का सा उसमें ये होगा कि मैं खुद टेबल पर बैठा हूं ठीक है अब हल्का सा जिक्र कर देता हूं जिससे और मैं टेस्ट दे रहा हूं यानी कल हमारा सब कुछ आज ही हो गया फाइनल बस कल एकदम से फाइनल हो जाएगा एकदम मतलब खत्म अब यह नहीं है कि कल से प्रिंट होना और परसों नर्सों से पैकिंग और आपके आपके घर जाना शुरू तो उसमें क्या है कि जैसे मैं एक चेयर पर बैठा हूं और एक व्यक्ति वो आ रहे हैं जो हम लोग रिकॉर्ड मतलब जो वीडियो हम बना रहे हैं वो जैसे एग्जामिनेशन हाल में होता मेरे सामने वो टेस्ट रखेंगे टाइमिंग सेम वही यूपीएससी वाली टाइमिंग रहेगी और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि पहला क्वेश्चन यानी है कि मेरा प्रीलिम्स हो चुका है क्योंकि ऑब्वियस मेरा आई में कई बार प्रीलिम्स हुआ तो ऐसे में मैं बताऊंगा कि मेरा हो चुका है मेरा अनुभव कहता है कि पहले टेस्ट में आपको यह अप्रोच लेनी है हटा दिया सेकंड में यह लेनी है यह वीडियो आपके पास रहेगा तो जब आप पहला देंगे उसी अप्रोच से चलेंगे सेकंड देंगे उसी अप्रोच से चलेंगे इससे क्या होगा एकदम आपको लगेगा कि कोई स्पून फीडिंग कर रहा है और जो काम मेरे साथ कोई व्यक्ति आकर के मुझे टेस्ट दे रहे हैं वही काम मैं वहां बोलूंगा कि आपके मम्मी हो सकते हैं आपके पापा यानी आप टेबल पर बैठ जाएंगे जमीन पर बैठ जाएंगे जहां भी घर में जो सुविधा है टेरेस पर बैठ जाएंगे आपकी मम्मी आपके पापा आपके भाई आपके बहन उन्हीं में से कोई आकर के और आपको क्या देगा ठीक साढ़े नौ बजे के पंद्रह मिनट पहले आपके हाथ में टेस्ट यानी एकदम यूपीएससी की टाइमलाइन पे हम लोग चलेंगे आपको देगा आप उसके बाद काम करेंगे और फिर उसके बाद सेम आप जमा मतलब एकदम सेम एकदम यूपीएससी के स्टाइल में वो मैं सारा आपको एक मॉक बना करके दूंगा और इसीलिए ये बेस्ट है अड्डा टू फोर सेवन आई इसका जो टेस्टाथॉन इसीलिए हमने इसका नाम भी टेस्टाथॉन रखा है चूंकि पचास है मैराथन टाइप का कॉन्सेप्ट है और इसका सबसे जो यूनिक फीचर है जो मुझे अभी तक लग रहा था कि सब हो सकता है कि ये हल्का हो जाए इसका दो जो पीवाई क्यू है इसमें आप निकालिएगा कि क्वेश्चन कहां से है ऐसा घुम झुमरी तलैया आपके लिए रखा हूं और वो कौन सा टेस्ट होगा फोर्टी थर्ड एंड सॉरी फोर्टी फोर एंड फोर्टी फाइव यानी अंतिम दो टेस्ट लास्ट के यानी पहले हमारा कंप्लीट और सेक्शनल कंप्लीट करेंगे उसके बाद दो हम लोगों ने प्लान किया है UPSC के क्वेश्चन लेकिन आप ढूंढ नहीं पाएंगे कहां से हैं वो और अगर आप यानी हमने आपको 43 में प्रैक्टिस करा दी उसके बाद 44 और 45 दो टेस्ट हमने दिया सीधा यूपीएससी का अगर उसमें आपका 60 प्लस हो गया तो समझ लेना कि आपकी बार प्रीलिम्स का गेट आपका खुल रहा है ये भी मैं बता रहा हूं यानी दो हमने इसलिए रखे लास्ट में चूंकि दुनिया में कोई भी कैसा भी टेस्ट दे आपको UPST का लेबल कोई नहीं पकड़ सकता तू टू भी ऑनेस्ट और आप सब इससे एग्री भी करेंगे क्योंकि अगर हम सत्य के साथ चले तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे में आप सोचो क्या कभी कहीं ऐसा प्लान हुआ है कि यानी 43 टेस्ट आपको लेकर सीधा दो टेस्ट पीवाईक्यू का और वो उसका टारगेट है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका साठ के ऊपर जाता है आपका सिक्सटी फाइव के ऊपर जाता है तो आप अपने आप को प्रस में मानिए तो एकदम साइंटिफिक साइकोलॉजिकल जो जो मैं करके हम लोग पास कर हमारे टाइम में तो टेस्ट सीरीज का उतना कल्चर नहीं था लेकिन अब कॉम्पिटिशन और इतना ज्यादा सब कर रहे हैं आपको भी करना पड़ेगा नहीं आप पीछे रह जाएंगे तो बेस्ट है याद रखिएगा टेस्ट सीरीज आगे बढ़ते हैं इंडिया कांट रिस्क ऑयल प्राइस वोलेटलिटी भारत तेल की कीमत में अस्थिरता का जोखिम नहीं उठा सकता तेल की कीमत में अस्थिरता आप लोगों को याद होगा जो पिछली बार का इकोनॉमिक सर्वे जब हमारा यानी अभी ऑबियस अब तो कोई नया आने वाला नहीं है तो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे था 22, 23 ठीक है उसमें एक एक शब्द शब्द बड़ी और इनफैक्ट इसका 21, 22 में भी एक एकोनामी में भी अक्सर इकोनॉमी इकोनॉमिक सर्वे में इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आप लोगों को याद भी होगा पहले मैं ये बता देता हूं फिर उसके बाद आता हूं आयातित मुद्रास्फीति बहुत अच्छा टॉपिक बच्चों मजा आएगा आपको आयातित मुद्रा स्फीति ठीक है आयातित मुद्रा स्फीति और हमेशा से भारत को यही कहा जाता है कि भाई कि भारत में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर मजबूत है समस्त आर्थिक स्थिरता सूचकांक हमारे मजबूत है अब वो कौन कौन से होते हैं? आगे सबकी लिस्ट दी गई है मैं अक्सर बताता भी रहता हूं अभी जो बताना चाहता हूं कि भाई बट उसमें फिर आपसे कहता है कि पॉलिसी मेकर्स को यानी आपको पढ़ने के लिए कहता है जब आप सर्वे पढ़ते हैं कि पॉलिसी मेकर्स को इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना है आयातित मुद्रास्फीति हिंदुस्तान में ना हो जाए अब कुछ बच्चे नए होंगे बहुत से को तो पता होगा ये क्या है आयातित का मतलब होता है कि भाई हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी यानी हम तेल गैस बाहर से इंपोर्ट करते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं। हम अपनी नीड का 83 थ्री टू एट्टी परसेंट क्रूड ऑयल कहां से मंगा रहे हैं? बाहर से मंगा रहे क्रूड ऑयल अगर महंगा हो जाएगा तो जब हम महंगे में खरीदेंगे भाई हम तो इंपोर्ट करेंगे महंगे में तो फिर हमारे यहां वो क्रूड ऑयल कंपनियां महंगे में ही तो बेचेंगी सरकारी हो या निजी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट महंगे में बेचेंगे तो अगर किसी ट्रांसपोर्टर को फॉर एग्जाम्पल यानी जो भी सामान ढो रहा है अगर उसको महंगे में तेल मिल रहा है तो क्या वो सब्जियों को ढोने के लिए कम रेट लेगा या रेट बढ़ा देगा तो अब अगर सब्जियों को ढोने का रेट फ्रूट्स को या किसी भी सीरियल को अनाज को ढोने का रेट उसने बढ़ा दिया लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई तो जैसे ही लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी तो जो उत्पादन करने वाले हैं सब्जियां उगाने वाले पैदा करने वाले यानी जो प्रोड्यूसर है वो कहेंगे अरे यार ये तो लागत ही नहीं निकली वो क्या करेंगे अपनी सब्जियों का रेट अपने अनाज का रेट हर अपने फल का रेट बढ़ा देंगे दूध का रेट बढ़ जाएगा हो गया महंगाई फूड इन्फ्लेशन आपके सामने आ गया और फिर महंगाई स्वाभाविक है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर में अच्छा संकेत नहीं यही यहां पर कहा गया है तो ये पॉइंट आपको देखना आयातित इसी बात को यानी जो इकोनॉमिक सर्वे ने इस तरीके से कहा जो मैंने आपको बताया वही बात यहां पर भी कहेगी कि भैया तेल की कीमत अगर बढ़ेगी तो भारत को समस्या होगी और वो समस्या क्या होगी आयातित मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति अगर कंट्रोल है तो वह मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा संकेतक है इंडिकेटर है मुद्रास्फीति कंट्रोल होना है, जो हमने लिमिट है, 4 minus, दो भी हो जाए छोर रहना चाहिए अगर उसके आसपास है तो अच्छी चीज है अगर उससे ज्यादा है तो स्वाभाविक है चिंता वाली बात है इसी विषय को यहां पर अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसका

पहला जिक्र किया गया दूसरा कहा गया इजराइल और हमास का संघर्ष और उसके बाद हाउथी जो रेवेलियन ग्रुप है विद्रोही वो क्या कर रहे हैं रेड सी में तांडो कर रहे हैं जिसके कारण से जो सिपमेंट है यानी जो भी वस्तुओं को लाना ले जाना है ट्रेड जो हो रहा है वो अब केप ऑफ गुड होप के रास्ते हो रहा है तो वो महंगा पड़ रहा है ज्यादा तेल लग रहा है तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट महंगा हो रहा एक रीजन यानी विद्रोही हो गए तो तीन तो आपके सामने सीधे सीधे दिखाई दे रहे अब चौथा रीजन यहां पर क्या दिख रहा है कि जो ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री है ये ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री है तेल के सबसे बड़े उत्पादक अब इन्होंने क्या किया है कि प्रोडक्शन को कम करने का डिसीजन लिया जिससे कीमतें बढ़ सके तो भाई कीमतें बढ़ेंगी तो फिर हमें समस्या होगी यानी चौथा रीजन ये हो गया ओपेक और ओपेक प्लस देशों के द्वारा प्रोडक्शन में कटौती का निर्णय और यह डिसीजन क्यों क्योंकि भाई वो अपनी कीमतें बढ़ाना चाहते हैं ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं तो ये चार बातें बड़ी गंभीरता के साथ उठाई गई हैं और इसके परिणाम स्वरूप कहा गया इसके रिजल्टेंट क्या होगा कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी अब तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो आप देख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बहुत से इंडिकेटर होते हैं यानी जिससे ये इंडिकेटर कौन जिससे ये पता चलता है किसी भी देश की इकोनॉमी कितनी मजबूत है तो ऐसे में अगर तेल महंगा हो जाएगा तो हम अपनी इकोनॉमी में कुछ समस्याओं का अनुभव करेंगे जिसमें से सबसे बड़ी समस्या है इंपोर्टेंट इंफ्लेशन आयातित मुद्रास्फीति और कैसे वो मैंने आपको बताया जंतता जीडीपी को भी प्रभावित करेगी अब आप कहेंगे सर जीडीपी को कैसे प्रभावित करेगी तो ये आपको जरा मैं बता दूं फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा अब आप देखिए कैसे हमारी जीडीपी को प्रभावित करेगा जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं कि तेल महंगा हो गया मेड ठीक है ना तेल क्या हो गया क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल हमारा क्या हो गया बच्चे कॉस्टली हो गया यानी कच्चा तेल और ठीक है फाजिल फ्यूल हम कहले तो और अच्छा रहेगा यानी जीवाश्म ईंधन जो भी हम मंगा रहे हैं वो अगर महंगा हुआ किसके कारण से क्या हो गया ये ऊपर की तरफ डायग्राम का मतलब हुआ किसका रेट ज्यादा हो गया अब क्या हो गया कि अब ये जब भारत की सरकार इसे खरीद रही है यानी भारत इसे खरीद रहा है तो क्या होगा इसे महंगे में खरीद रहा है तो इसकी कॉस्ट बढ़ गई यानी इसकी लागत बढ़ गई तो अब अगर लागत बढ़ गई तो है अब ये जिसको भी यानी जो भी हमारे यहां रिफाइनरीज हैं जहां पर ये बनेगा इसके बाद जो भी जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल सिंपल ले लीजिए पेट्रोल हैं उस पर ठीक है ये बिकने के लिए जाएगा तो क्या सस्ते में जाएगा नहीं जो रेट अभी तक एक्स था अब रेट एक्स वन हो जाएगा इस कंडीशन में तो रेट बढ़ा यानी अब ये महंगा हुआ तो स्वाभाविक है सभी के ऊपर मैं केवल एक एग्जाम्पल यहां पर ले रहा हूं जो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट है उस, उसका बाकी तो सबके लिए महंगा हो रहा है तो जो परिवहन है मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसपोर्ट जो है वो महंगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा यानी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट या हम इसे कहें लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी कि नहीं लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की लागत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ऑब्वियसली लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी तो जब लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी तो ये किसके ऊपर आएगा जो प्रोड्यूसर होता है मेरे प्यारे बच्चों कौन होता है यानी जो उत्पादक होता है जैसे हमारे किसान बंधु हो गए या हमारे उद्यमी हो गए तो लैंड लेबर कैपिटल याद रखिएगा लैंड लेबर इसको जरा समझिएगा मजा आ जाएगा लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्राइज तो ये जो फैक्टर आप प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं ये कौन है प्रोड्यूसर है ऑब्वियस तो इन उत्पादकों पर क्या असर पड़ेगा कि इनका इनके उत्पाद की कॉस्ट यानी बढ़ गई इनपुट कॉस्ट बढ़ गई अरे भाई इनको भी तो चाहिए सब्जी उगाने के लिए तेल और ये सब तो इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई तो जब इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई तो यानी इनकी लागत उत्पादन करने की लागत को इनपुट कॉस्ट कहते हैं तो अगर इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई तो ये क्या करेंगे प्राइस को उतना ही रखेंगे ये अपने प्रोडक्ट की यानी प्राइस अपने उत्पाद की जो प्राइस है उत्पाद मूल्य ये क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये ऊपर की तरफ एर हो गया ये इंक्रीज कर देंगे करेंगे कि नहीं करेंगे अब 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 ये ये इसकी कीमत कीमत बढ़ा देंगे जरा ध्यान से समझिएगा अगर ये कीमत बढ़ाएंगे तो इसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा आप कहेंगे सर हमारे ऊपर यानी हम सब कौन है कंज्यूमर यानी जो उपभोक्ता है उसके ऊपर आएगा जिसे हम इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर कहते कहते हैं कि नहीं बच्चों ठीक है हाउस होल्ड यानी घरेलू क्षेत्र इसके ऊपर आएगा कंज्यूमर के ऊपर यानी अब चीजें महंगी हुई तो कंज्यूमर जो पहले सौ रुपए में सौ वस्तुएं पाता था अब सौ रुपए में नब्बे पाएगा तो अभी ऐसे वो अपनी डिमांड कम कर देगा तो कंज्यूमर पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा तो कंज्यूमर जो उसकी बेसिक नीड्स है उसके लिए तो खर्च करेगा लेकिन वो एक्स्ट्रा डिमांड कम कर देगा यानी मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि डिमांड तो कंज्यूमर ही करता है तो डिमांड देखिए नीचे की तरफ एरो जा रहा है यानी जो इकोनॉमी में मांग है वो कम हो जाएगी ड्यू टू मुद्रास्फीति तो अगर मांग कम हो जाएगी तो स्वाभाविक इसका रिजल्ट क्या होगा यानी जो प्रोड्यूसर है जो उत्पादक है वो भी उत्पादन कम कर देंगे भाई जब मांग ही नहीं तो जो उत्पादक हैं यानी अगर हम इसको ऐसे लें ठीक है ना जो प्रोड्यूसर है जो उत्पादक है ये क्या करेंगे उत्पादन कम कर देंगे तो अगर ये उत्पादन कम करेंगे तो आप इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा आप कहेंगे सर उत्पादन कम करते हैं तो इसका इंपैक्ट पड़ जाएगा किसके ऊपर लेबर यानी रोजगार की छटनी होगी चूंकि भाई जब कंपनियां कंप्लीट अपनी जितनी कैपेसिटी उससे काम नहीं कर रही तो उनके पास ऑप्शन क्या बचेगा ऑबियस है फिर कैपिटल के साथ भी इश्यू आएगा और रिजल्ट ये होगा कि डिमांड और सप्लाई का क्रंच हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इकोनॉमी में और हम क्या करेंगे यानी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी घिरेगी नीचे की तरफ स्लो डाउन की तरफ यही है जो आपको बताया गया कि यानी अगर इंपोर्टेंट इन्फ्लेशन हो जाता है या तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अब अंततः जब डिमांड और सप्लाई में समस्या हुई तो इसका अंतिम रिजल्ट क्या होगा ऑब्वियस है हमारी जीडीपी कमजोर हो जाएगी अब अगर हमारी जीडीपी कमजोर होती तो इसका मतलब हमारे पास कम कम हो गए अब इन कम रिसोर्सेस से हमें समस्या होगी कि नहीं होगी कम है तो सोशल वेलफेयर स्कीम जो समावेशी विकास के लिए सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं जो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होती हैं उनमें क्या होगा फंड की कटौती होगी और भी इंफ्रा जो प्रोजेक्ट है उनमें भी फंड की कटौती होगी तो इसके कारण से और क्या होगा ऑबियस है टैक्स रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा अरे भाई हर जगह से अगर चीजें सिकुड़ेंगी तो रिजल्ट क्या होगा कि जो रेवेन्यू में टैक्स रेवेन्यू होता है वो भी कम होगा तो इसका मतलब कि भाई अगर रेवेन्यू कम सरकार के पास है तो फिजिकल डेफिसिट उसका बड़ा हो जाएगा यही समस्या मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी इंडिकेटर के दूसरे आधार यानी फिजिकल कंसोलिडेशन को भी प्रभावित कर देगी और जब फिजिकल कंसोलिडेशन यानी हमारा राजकोष कमजोर होगा तो सरकार क्या करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स पर खर्चा कम करेगी अब जैसे ही कैपेक्स पर कम करेगी तो लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंट होता है वो नीचे की तरफ जाएगा और जब सरकारी क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करता है कम कर देता है तो प्राइवेट सेक्टर की जो एनिमल स्प्रिट होती है वो अपने आप डाउन होने लगती है उसे लगता है सरकार ही कटौती कर रही है इसका मतलब मार्केट ठीक नहीं है वो और कम कर देता है तो जीएफसीएफ यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के मिलने से बनता है तो स्वाभाविक है जीडीपी का जो ग्रोथ इंजन है चार इंजन होते हैं वो चारों इंजन आपने इस डायग्राम इस से समझ लिया वो कमजोर पड़ जाते हैं पहला यानी डिमांड कम हो जाएगी अगर इन्फ्लेशन होगा तो उससे क्या होगा यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर जो उस होल्ड सेक्टर का खर्च होता है यानी डिमांड कम हो जाएगी जीडीपी में छप्पन सिक्स परसेंट इसी डिमांड का रहता इसी हैल्ड सेक्टर का रहता आप देख सकते थर्टी थ्री परसेंट के आसपास योगदान रहता है गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो इन्वेस्टमेंट होता है जिसे हम जीएफ कहते हैं ग्रास फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जीएफ का थर्टी वो भी क्या होगा ऑब्वियस इसमें भी कुछ कमी आएगी प्लस जो सरकार खरीदती है सरकार भी तो अपना ऑफिस चला रही कॉपी पेन खरीदती है ना भाई कंप्यूटर तो गवर्नमेंट का भी एक एक्सपेंडिचर होता है वो जीडीपी में एक एलेवन परसेंट यानी ग्यारह प्रतिशत का योगदान करता है उसमें भी कुछ कटौती होगी क्योंकि सरकार के पास पैसा कम है तो कुल मिलाकर के ये इकोनॉमी को इस प्रकार से प्रभावित करेगा आप देख सकते हैं तो ये छोटी सी घटना और आप देख सकते हैं कैसे ये इतना ज्यादा घूम करके आपके साथ कनेक्ट हो गई अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं मजा आया कि नहीं एक छोटी सी घटना मतलब छोटी सी क्या बड़ी सी घटना ही हम इसे कहेंगे जियो पोलिटिकल क्राइसिस यानी आई ध्यान से समझिएगा एक बार कमेंट जरूर करिए एकदम मतलब अगर मजा आया हो ना क्योंकि इससे क्या होगा ठीक है कि जब आप क्या होते हैं ना कनेक्ट होते हैं किसी चीज के साथ तो फिर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है तो जैसे मैंने बताया जियो पोलिटिकल क्राइसिस यानी भू राजनीतिक जो संकट इस समय चल रहे हैं वर्ल्ड में उसके कारण से क्या-क्या होने वाला है ठीक है ठीक मजा आ गया बच्चों बहुत ही बहुत ही ही बढ़िया बढ़िया बस इसी एंगल से आपको चीजों को देखने की जरूरत है यही आगे शब्दों में लिखा हुआ आप चाहे तो शब्द पढ़े आप चाहे तो ऐसे ही काम चला दें ठीक है तो इसी हिसाब से आपको चलने की जरूरत होती है और सभी सब्जेक्ट चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे इकोनॉमी हो कोई सा भी सब्जेक्ट इनफैक्ट पॉलिटी हो ये सब इसी प्रकार से कुछ फार्मूले पर बेस्ड है अगर हम इन्हीं फार्मूलों को अच्छे से समझ लें तो फिर आपको हर विषय इजी लगेगा आज मैंने हिस्ट्री की क्लास में अगर आपके दोस्त कोई पेड क्लास में हो उनसे पूछिएगा आज हिस्ट्री की क्लास में पांच डायग्राम का मेरा प्लान था जिसमें पहला डायग्राम मैंने कंप्लीट किया और उस पहले डायग्राम पर ही एटलीस्ट थर्टी परसेंट सिलेबस मॉडर्न इंडिया का उसी पर खत्म कर दिया एक डायग्राम पे अभी चार और बच्चे सोचिए आप और ईच एंड एवरी वन सब बच्चे यही कर रहे थे कि सर अगर ये तो जीएस की क्लास थी लेकिन मैंने ऑप्शनल वालों को भी बुला लिया था तो सभी बच्चे यही कह रहे थे कि और मुझे अच्छा लगा ये सुनकर बच्चों की काबिलियत है मेरी नियमित मालू अध कर्तव्य मुझे करना है इसमें मुझे ज्ञान व्यान कोई मतलब नहीं हमें तो करना ही करना

अगले तीन में यानी बैच छह महीने का ही हो लेकिन क्लासेस डेढ़ से दो महीने में खत्म बाकी का तीन से चार महीना क्या हो कमेंट करो ये नहीं कि क्लास बाकी का तीन से चार महीना क्या पढ़ाया जाए एक बार बच्चे बताएं ठीक है यस yes, आ गया जैसे साजन बिन आ गया और यानी बाकी का पांच महीना क्या हो बाकी का केवल और केवल आंसर राइटिंग कुछ नहीं यानी डेढ़ महीने में आप देखो बच्चे अगर सिलेक्शन लेना ना आप मिथ को तोड़ना पड़ेगा आखिर आईसीसी को भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी टेस्ट मैच पांच दिन वनडे पूरा दिन के बजाय ट्वेंटी ट्वेंटी पर आना पड़ा ये समय की डिमांड है अगर आप समझ जाएंगे तो आप अपनी लाइफ को चेंज करेंगे नहीं तो अदरवाइज पांच महीने छह महीने हम लोगों से बैल की तरह काम कराइए तो की तरह काम होता है स्मार्ट वर्क यही होता है कि आपको समझा दिया जाए कंटेंट आपके हाथ में पहुंचा दिया जाए उसके बाद टेस्ट स्टार्ट आपको पहले बता दिया जाए कि भाई आज आप जाओ आज टेस्ट होगा एक्स टॉपिक से वाई टॉपिक तक तीन दिन के बाद तीन दिन आपने दबा के पढ़ा आपको टेस्ट दिया गया भले कुछ नहीं लिख पाए फिर अगला टेस्ट दे फिर अगला टेस्ट दे धीरे धीरे आप लिखने लग जाएंगे क्योंकि अंतिम चीज तो लिखना ही है ना पढ़ेंगे कितना सोचिएगा इस विषय पर तो एक नए ढंग से लाइफ को आपको बदलना है मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया तो यही चीज आगे पढ़ाई गई है और बहुत अच्छे से कंटेंट लिखा गया है एक बार बताएं क्या मुझे पढ़ाने की जरूरत है क्या मुझे पढ़ाने की जरूरत है? है ठीक है क्या मुझे पढ़ाने की जरूरत इस टॉपिक को जीएस थ्री इकोनॉमी मैंने लगा दिया एक बार मुद्दे पे आ जाता ठीक है बस केवल आईक्यू आई करा देता हूं मामला क्या है यानी आर्थिक समृद्धि और ऊर्जा खपत के बीच एक संबंध होता है देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनर्जी कंजम्सन आप इस बात से अब तो सहमत है अरे भैया ऊर्जा के बिना इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए पहला पॉइंट ये हो गया डायग्राम को ऐसे ही बनाइएगा क्या है डायग्राम को ऐसे ही बनाइएगा कि आर्थिक समृद्धि और ऊर्जा खपत के बीच एक संबंध है और अगर आर्थिक समृद्धि होती है 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 तो उसका रिजल्ट होता होता रैपिड अर्बनाइजेशन यानी तीव्र शहरीकरण फिर क्या जब तीव्र शहरीकरण होता है, है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है और फिर क्या होता है ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती है फिर आर्थिक समृद्धि और यह चक्र ऐसे ही चलता रहता यानी इकोनॉमी में जीडीपी और एनर्जी कंजम्पन का गहरा संबंध इस चार्ट के द्वारा आपको यह बता दिया गया सिंपल सी बात यह क्यों बता दिया गया अगर आपसे कोई पूछता है जैसे आप लिख रहे हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश की ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया या उसकी थीम है या आप किसी दूसरे क्वेश्चन में कोई पैराग्राफ एनर्जी सिक्योरिटी और जीडीपी के बीच रिलेशन पर लिख रहे हैं अगर आपने यहीं से यानी फ्लो फ्लोचार्ट बना दिया एग्जामिनर मस्त एकदम से ठीक है अब आता है कि भाई अगर एनर्जी कंजम्पशन और जीडीपी का गहरा संबंध है तो हम कहां खड़े हैं यानी हम कहां खड़े हैं तो भैया हम उपभोक्ता तो सबसे बड़े यानी हम सबसे बड़े कंज्यूमर में से एक विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऑयल और एलपीजी के कंज्यूमर है प्रीलिम्स के लिए भी इसको याद रख लीजिएगा इसके अलावा हम विश्व के फोर्थ सबसे बड़े एल इंपोर्टर हैं और उसके साथ साथ तीसरे हम रिफाइनर भी हैं और ऑटोमोबाइल बाजार भी हैं याद रखिएगा ठीक है बट क्या भारत अपनी एनर्जी कंजम्पशन या जो ऊर्जा की मांग है उसको सही से प्राप्त कर सकता है अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा कर सकता है अपनी ऊर्जा की मांग को बरकरार ऊर्जा खपत की मांग को बरकरार रख सकता है तो फिर यहां पर बताया गया है, नहीं भैया नहीं बरकरार रख सकता क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस इंपैक्टिंग ऑयल सप्लाई संकट जो तेल आपूर्ति को गहरे स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों और यह मुद्दा क्या है यूक्रेन रशिया वॉर इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट ओपेक और ओपेक प्लस देशों के द्वारा ऑयल प्रोडक्शन में कटौती आप देख सकते हैं प्रोडक्शन कट और चौथा हौथी समस्या और हौथी समस्या के कारण यानी रेड सी से माल जाने की बजाय गुड होप्स होकर जा रहा जिसके कारण से यानी जो शिपिंग भाड़ा होता है जो शिपिंग फ्रेट होता है जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है वो फिफ्टी परसेंट बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि ये ग्लोबल क्राइसिस है जो ऑयल सप्लाई को प्रभावित कर रहे हैं याद रखिएगा तो ये सारी बातें यहां पर बताई गई हैं, और इसी को लेकर के मैंने पूरा आपके सामने उस टॉपिक को ओपन कर दिया वहीं पर आगे भी यही सारी बातें कही गई तो अब इसका हम लोग कर लेते हैं क्या आई क्यू आई पी उसके बाद फिर आएंगे टॉपिक पर और कुछ बातें और कर लेंगे तो पहले यहीं से आई कर लेते हैं 2022 में आपसे ऐसे में एक प्रश्न पूछा सॉरी एथिक्स में एक प्रश्न पूछा गया था 2022 में मेरे प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन क्या था रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू करने से पहले किन एथिकल इश्यूज पर किन नैतिक मुद्दों पर विचार करना था तो आप देख सकते हैं यानी रशिया यूक्रेन वॉर या इसराइल हमास संघर्ष किसी को भी शुरू करने से पहले कौन से नैतिक मुद्दों पर बात करनी थी तो उसमें एक नैतिक मुद्दा यह भी है कि किसी भी कंट्री की किसी भी देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो कि डिपेंड करती है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ऑयल सिक्योरिटी पर यानी तेल सुरक्षा पर तो आप यह लाइन लिख सकते हैं और यह नैतिक मुद्दा कैसे आपके मन में आएगा अरे भाई नैतिक मुद्दा है नहीं कि अगर किसी भी देश की किसी भी देश के वॉर में पार्टिसिपेट करने के कारण किसी भी देश के युद्ध में भागीदारी के कारण अगर दूसरे देश पर आर्थिक संकट मडराता है तो वो आर्थिक संकट किसी देश पर नहीं उस देश के नागरिकों पर और खासकर डिप्राइब्ड वंचित सेक्शन पर इसका सबसे गहरा इंपैक्ट पड़ता है इसीलिए किसी भी युद्ध को शुरू करने से पहले हमें इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि इस युद्ध का आर्थिक प्रभाव क्या होगा क्योंकि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है अगर वो नेगेटिव है तो सबसे डिप्राइब यानी वंचित वर्ग को ही वो प्रभावित करता है ये चीज आपको आपको डाल देनी है आई आई थिंक आप इसको इसको पकड़ लेंगे तो वाला हो गया इसको में ऐसे ही आपको यूज करना है ठीक है अब आता है इसको और कैसे शुरू किया गया है अच्छा हाँ एक चीज और यहां पर तो यहां पर कुछ बातें और भी की गई हैं वो भी पहले आपको बता दे तो फिर वापस आऊंगा तो और अच्छे से आईक्यू आई हो पाएगा यहां पर यह कहा गया है कि भाई डिमांड तो बढ़ेगी यहां अमेरिका की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा गया कि डिमांड तो और भी इंडिया की है कि डिमांड टारगेट रखते हैं ट्वेंटी फोर्टी सेवन तक दो हजार सैतालीस तक हम क्या बन जाएंगे डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे तो इसका मतलब हमें तो एनर्जी की और जरूरत है तो ऊर्जा की मांग तो और बढ़ेगी और याद रखिएगा तो ऐसे में एडिटोरियल राइटर यहां कहते हैं कि भारत को कौश यानी सावधान रहने की जरूरत है ठीक है तो ऐसे में भारत को सावधान रहने की जरूरत का मतलब क्या है बस यही भारत को क्या करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों यहां यही कहा गया है कि भारत को अपने एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण करना चाहिए सिंपल सी बात यानी अब हम केवल फॉजिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधनों पर तेल और गैस पर अपनी इकोनॉमी को नहीं चलाएंगे अब हम किस पर यानी सोलर एनर्जी विंड एनर्जी और उसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी पन बिजली जैसे रिन्यूएबल ऑप्शन यानी नवीकरणीय विकल्पों पर विचार करेंगे सिंपल सी बात यह यहां पर कहा गया है और यह पॉइंट आपको बताना इसलिए जरूरी था जैसे 2019 में आपसे ऐसे पूछा था करेस्टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव टू सक्सेस स्वीकारोक् रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पर हमने देख लिया तो ऐसे में अब हम फाजिल फ्यूज पर डिपेंडेंसी खत्म करें टू इंप्रूव इंप्रूव के लिए क्या डेडिकेशन अपने ऊर्जा सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करें यह एक आपको बताना था इसलिए यहां पर हम आपको लेकर के आए यह ध्यान रखिएगा सिंपल सी बात है यही यहां पर कहा गया है खर्च करना चाहिए तो आर एन पर आप देख सकते हैं यह हमारे लिए बड़ी अच्छी न्यूज है ओ एन ने बंगाल के की खाड़ी के तट पर क्या किया है यानी आर एन करके जो के जी डी डब्ल्यू एन नाइनटी एट टू ब्लॉक से यानी तेल पर काम करना शुरू कर दिया है याद रखिएगा तो बस आप यहां से देख सकते हैं यानी ऑयल प्रोडक्शन इन्होंने तेल उत्पादन शुरू कर दिया है यहां से भी और उसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित यानी गहरे पानी वाले इस बेसिन से भी उन्होंने अब तेल उत्पादन की शुरुआत कर दी है तो आरएनडी भी हम कर रहे हैं बट आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी एनर्जी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर करें क्योंकि आप देख सकते हैं जियो भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा तो ऐसे में एनर्जी सिक्योरिटी जो किस चीज के साथ जुड़ी हुई है नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ तो हमें इस पर फोकस करने की आवश्यकता है यह विषय आपको ध्यान में रखना अब आई एस का आईक्यू आईपी करते हैं लेकिन आईक्यू आईपी के बाद मुझे आप दिलाईगा एक बड़ा भयंकर मुद्दा यहां आपके सामने आ रहा है जो शायद आज के इस क्लास का सबसे बेस्ट पॉइंट है जो आपके अप, मतलब आपको लगेगा चलो यार सोते सोते दिन बन सॉरी रात बन गई दिन के समय यह मुद्दा क्या लेकिन बाद में आऊंगा उसके पीछे रीजन है क्योंकि इस पे आऊंगा तो अभी कुछ और एनालिसिस करने लग जाऊंगा तो पहले आईक्यू आई पी करते हैं तो ये देखें अगर हम ए से शुरुआत करें या मॉडल क्वेश्चन पर ही आते हैं लेकिन की मैंने की थी. की मैंने लगाई है, ये याद रखिएगा व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिकोर्स इतना बढ़िया बढ़िया रट लीजिए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें स्टडी की जाती है मेरे प्यारे बच्चों द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी ऐसा यानी यह अर्थशास्त्र की वह शाखा जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करती है और ये फोकस करती है ऑन द द एग्रीगेट चेंज चेंज कुल इन इकोनॉमी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जैसे ग्रोथ रेट जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे इन्फ्लेशन यानी यह कौन माइक्रो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी विकास दर या हम कह सकते हैं जीडीपी और मुद्रा स्फीति जैसे समग्र परिवर्तनों पर केंद्रित है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अब आता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के इंडिकेटर कोई भी देश अगर आर्थिक स्तर पर मजबूत है तो उसके कुछ इंडिकेटर होते हैं देख सकते हैं यानी पहला हो गया हमारी जीडीपी दूसरा हो गया मुद्रा स्फीति की दर तीसरा हो गया हमारा बेरोजगारी दर चौथा हो गया हमारा ब्याज दर भाई कंट्रोल में है ब्याज दर अगर कंट्रोल रहेगा तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा यानी हमारी जीडीपी पर कितना कर्जा है इसके अलावा हमारा राजकोषीय घाटा हमारा व्यापार घाटा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा सरकार का खर्चा हमारा फॉरेक्स रिजर्व हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ये चार चीजें याद रखिएगा ठीक है डेमोग्राफिक डेविडेंड इसी ह्यूमन डेवलपमेंट में शामिल है याद रखिएगा इसको अलग से तो ये है व्यापक आर्थिक स्थिरता संकेतक देख सकते हो आपका इकोनॉमी का एक पार्ट तैयार तो ये टॉपिक जीएस थ्री इकोनॉमी में जा रहा है आप देखें मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का प्रबंधन उसके साथ साथ ग्रोथ यानी समृद्धि के साथ टॉपिक करेक्ट है और 2020 का वो क्वेश्चन भाई पोटेंशियल जीडीपी की डेफिनेशन दीजिए और इसके डिटर्मिनेंट्स कौन होते हैं तो पोटेंशियल जीडीपी के ही ये सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं रट लीजिएगा अगर ये सब अच्छा रहेगा तो हमारी जीडीपी ऑब्वियस है बेहतर होगी और उसी में पोटेंशियल जीडीपी के डिटर्मिनेंट्स पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में मैंने एक पॉइंट और आपको यहां पर डालने को आज मैं कहूंगा कि अगर हम कहते हैं कि पोटेंशियल जीडीपी के डिटरमिनेंट्स में ये सारे हैं तो एक आज डाल दीजिएगा इंटरनेशनल पीस क्या है इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा तो और समृद्धि भी पोटेंशियल जीडीपी का एक डिटर्मिनेंट है कि नहीं है जरा बताइए तो आई भी आज से इकोनॉमी में कनेक्ट हो गया इसीलिए जीएस पेपर लगाया गया है इफेक्ट ऑफ ऑफ पॉलिसीज एंड एंड पॉलिटिक्स डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट मेरे प्यारे बच्चों भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव तो क्या हम कह नहीं सकते हैं विकसित और विकासशील देश ओपेक और ओपेक प्लस मिलकर के जो कच्चे तेल के उत्पादन में क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कटिंग करने जा रहे हैं यानी कट करने जा रहे हैं प्रोडक्शन को तो उसका भारत पर इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अभी आपने पढ़ा ओपेक और ओपेक प्लस देश ओपेक प्लस देश में हमारा रशिया भी शामिल है रशिया से इस समय हम जबरदस्त तेल मंगा रहे हैं और रशिया से सस्ता तेल ही हमारी जीडीपी की ग्रोथ को अच्छा करने का एक मेन एक प्रधान कारण है एक मुख्य कारण है एक मेन रीजन है ये पॉइंट भी भूल गया था दिमाग में रख लीजिए तो विकसित विकासशील ओपेक ओपेक प्लस इजराइल सॉरी रशिया यूक्रेन का संघर्ष तो भारत के हितों पर इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं तेल महंगा हो रहा है तो भारत के हितों पर इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं इंपोर्टेड इंफ्लेशन पूरा डायग्राम बता दिया ठीक है इसराइल हमास का संघर्ष उसके परिणाम स्वरूप हॉथी ने रेड सी को ब्लॉक करना शुरू किया है अब भारत को अपना माल 50 प्रतिशत ज्यादा भाड़े पर भेजना पड़ रहा है और मंगाना पड़ रहा है केप गुड होप के रास्ते से तो ये क्या है भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का ही तो इंपैक्ट है ये तो इसीलिए देख सकते हैं और ये इंपैक्ट गहरा है जिसका प्रभाव पड़ेगा जीडीपी पर यानी ग्रोथ पर सकल घरेलू उत्पाद पर तो इसीलिए इकोनॉमी क्या यार क्या हर विषय पर जब आप गहरे से विचार करेंगे तो चीजें आपको बड़ी मक्खन सी नजर आएंगी तो अब आइए देखिए इस पर क्या क्वेश्चन बनाया गया है जिससे आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाए और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सॉरी यानी यही क्वेश्चन है जो आपको वाट डू यू नो अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर बता पाएंगे अब आप सभी लोग आप व्यापक आर्थिक स्थिरता संकेतक के बारे में क्या जानते हैं जियो पोलिटिकल क्राइसिस एज द एबिलिटी टू डिस्टर्ब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री आर बाई इम्पैक्टिंग आर इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्कस भू राजनीतिक संकट देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता को बिगाड़ने की क्षमता रखता है जिससे हमारी आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है चर्चा करें ऑनेस्टी से इस प्रश्न का उत्तर कितने ऐसे बच्चे हैं जो यहां पर दे पाने की कंडीशन में कमेंट करिए मैं सबके कमेंट देख रहा हूं एक बार जरूर बताएं यानी इस क्वेश्चन को आप कर पाने की स्थिति में है कि नहीं मैं एक बार स्क्रीन से हटता हूं और ये कभी मत सोचा करिए लेक्चर लेते समय क्या कि अब मैं बाद में पढ़ूंगी मैं बाद में पढ़ूंगा नहीं जब पढ़ो लूट लो उसको हमेशा एक ही स्ट्रेटजी अपनाइए जब पढ़ो लूट लो सिंपल सी बात है बाद के लिए इतना बड़ा सिलेबस है कहां से आप क्या करोगे आप ऑफलाइन क्लास में कितनी गलत स्ट्रेटजी होती कोई बताता भी नहीं बच्चे लिख लेते हैं नोट्स ले लेते हैं फिर घर पे आके वही चीज फिर पढ़ते हैं तो आपका पढ़ना ही बेकार हो गया यार क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा सब समझ लो अब अगर अपने मन को ये मना लोगे एक बार पढ़ रहे हैं, फिर बाद में समझेंगे तो बाद में जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी समझाएगा कौन टीचर से मिलकर दिखाइए स्वाभाविक है आप सोचिए मान लीजिए हम लोग नहीं मिल पाते हैं बहुत ज्यादा उसके पीछे रीजन ही होता था कि बहुत बड़ी संख्या बच्चों की ऑनलाइन की दुनिया की लेकिन ऑफलाइन में तीन सौ बच्चे दो बच्चे तब भी बच्चे नहीं मिल पा रहे रीजन तो आप रीजन बनाइए ही ना भाई आप जब पढ़िए भाई खत्म कर लीजिए बाद में क्या होता है बाद में याद करेंगे बहुत गलत अप्रोच है जो बच्चे मिलने आते हैं वो बस यही बात कि सर अभी हम हमारी कोचिंग चल रही है अभी सर हम पढ़ रहे हैं तो मैं पूछता हूं यार पढ़ने का मतलब कैसे वही खत्म कर रहे हो या घर लाके खत्म कर रहे हो अगर वहां नहीं खत्म करोगे तो टीचर से फिर कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे अगर आपने घर का काम लिया तो फिर और सब्जेक्ट आपके छूट जाएंगे ये बहुत बड़ी समस्या है छूटने का मतलब कोचिंग में तो हो जाएंगे लेकिन आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो ये सारे टॉपिक आपके सामने और देखिए कैसे घूम फिरा के आ गया उसके साथ साथ बच्चों यानी लेजेंडरी महा पैक जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं स्वाभाविक है और आपको जुड़ना है इसी पैक के साथ फॉर एडमिशन इंक्वायरी इस नंबर पर कॉल करें यानी आप 25 छब्बीस में जिसमें भी ले रहे हैं मुझे तो लगता है कि आप किसी बैच में जाने के बजाय ये पैक ले लीजिए जिसमें सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत कम फीस में है आप कोड यूज करेंगे तो फीस बहुत कम हो जाएगी यहां जो लिखी उसमें काफी कम ठीक है ना सुनील कोड आप यूज कर लीजिएगा टेस्ट टेस्ट सीरीज मेरे प्यारे बच्चों अभी इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं और उसके साथ साथ हमारा प्रलिम्स जैते बैच अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो यानी इतने कम में ही आपको ये मिल जा रहा है और स्टेप अप बैच हमारा फाउंडेशन बैच है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और मजा आएगा आप लोगों को और इंजॉय करिए लाइफ अब आते हैं जॉब डेटा लुकिंग एट द फाइन प्रिंट नौकरी ये हम पढ़ने जा रहे हैं याद रखें ठीक है महिलाओं का डेटा है इसमें और कि महिलाओं की स्थिति रोजगार में कहा है तो हम देखेंगे कि पिछले कुछ टाइम में बढ़ा है लेकिन अभी भी वर्ड लेवल पर महिलाओं का जो रोजगार है पूरे विश्व में सबसे कम भारत का है ऐसा डेटा यहां पर है और ये पूरा डेटा पर ही बातचीत हुई है बिजनेस लाइन में पूरा डेटा पॉइंट है तो यहां से हमें लेना क्या है इस टॉपिक को हम क्यों आपको पढ़ाने जा रहे हैं पहले एक बार आपको इश्यू बता देते हैं फिर उसके बाद आते हैं कि हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक को एज एग्जाम्पल यूज करेंगे मामला क्या है एज पर द डेटा फ्रॉम द एनएसएसओ एन का जो डेटा है मेरे प्यारे बच्चों इंप्लायमेंट पर अनएम्प्लॉयमेंट पर 2011-12 का यानी एनएसएसओ का डेटा है 11-12 का रोजगार और बेरोजगारी पर और पीरियोडिक लेबर फोर्स का 2017-18 और 2022 और दोनों हजार मे, मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों डेटा को लेकर जो कहा गया है कि भाई अगर हम देखें तो वर्क पार्टिसिपेशन रेट यानी कार्य सहभागिता दर कार्य सहभागिता यानी अब हमारे यहां के जो लोग हैं वो रोजगार में शामिल हो रहे हैं रोजगार की इच्छा रख करके रोजगार ढूंढ रहे हैं तो वर्क पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है एक चीज यह कहा गया लेकिन अगर हम महिलाओं के वर्क पार्टिसिपेशन की बात करें बस वुमेन एम्पावरमेंट आ गया कि अगर हम महिलाओं के कार्य भागीदारी की बात करते हैं तो आज ये दुनिया में सबसे कम है अब जैसे ही आया महिलाओं की कार्य भागीदारी दुनिया में सबसे कम है अब आगे पूरा डेटा दिया गया है अब सीधा सीधा आप उठा करके आइए यानी सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं फिर आएंगे यानी आप देख सकते हैं। तो, काम -काज और घर की संभाल क्या भारतीय कामकाजी महिला न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर रही है यानी जो हाउस वाइफ है और जो वर्किंग है बाहर काम करें क्या उनके साथ हम फेयर डील यानी क्या उनके साथ बेहतर हो रहा है क्या वो इम्पावर्ड है ये आपसे पूछा गया ये आप करेंगे कुछ देर के बाद यानी जब मैं भी आगे बढ़ूंगा लेकिन अब देखिए इफ डेवलपमेंट इज नॉट इन जेंडर इट इज इन इन डेंजर या अगला है फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है इस निबंध को 2017 में क्या हम अगर ये वाली लाइन लगा दें तो मिथक सिद्ध कर देंगे कि नहीं कमेंट करके बताइएगा बट वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज अमंग लोवेस्ट इन वर्ल्ड महिलाओं की कार्य भागीदारी आज दुनिया में सबसे कम है तो क्या हम इसको यहां पर हु बहु यूज कर सकते हैं कि नहीं हंड्रेड परसेंट यहां पर देख सकते हैं आप तो हम कहेंगे कि भाई आज के समय में अगर दुनिया में सबसे कम वर्क पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का है तो ऑबियस है नए युग की नारी ट्वेंटी सेंचुरी की जो नारी है वो क्या है अभी परिपूर्ण नहीं है यह आप यहां पर लिख सकते हैं और फिर बताएंगे अगर वो परिपूर्ण नहीं है तो स्वाभाविक है यानी इस निबंध की बात जो 2016 में पूछा था ऐसा कोई भी विकास जिसमें महिलाएं विकास की मुख्य धारा से बहुत पीछे है मेन स्ट्रीम से बहुत पीछे है वह देश कैसा भी विकास करे लेकिन वह विकास संकट ग्रस्त होगा आप कहेंगे सर अब इसको समझाइए कि विकास संकट ग्रस्त का मतलब क्या होता है तो विकास संकट ग्रस्त का मतलब होता है कि विकास क्या होगा यानी समावेशी नहीं होगा इंक्लूसिविटी नहीं होगी डेवलपमेंट में इसी को कहा गया विकास संकट ग्रस्त अगर महिलाएं अगर स्त्री पुरुष को हम इक्वल लेके नहीं चलेंगे तो क्या कभी भी ये विकास समावेशी हो सकता है आप कहेंगे नहीं सर कभी भी ये विकास समावेशी नहीं हो पाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ से हम पीछे चले जाएंगे यही इस 2016 के क्वेश्चन की थीम में छुपा हुआ है और जब ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आप यहां पर भी संभालेंगे कि भाई महिलाओं के साथ एक न्यायोचित बर्ताव तो नहीं हो रहा चूंकि उनका वर्क पार्टिसिपेशन रेट ही बहुत कम है इसके साथ साथ अभी एक डेटा और पढ़ेंगे जो यहां पर आकर के लगेगा ये सारे डेटा बताने के बाद महिलाओं वाला एडिटोरियल राइटर ने एक प्रश्न उठा दिया है। और वो क्वेश्चन क्या उठाया है जो कि इस निबंध के लिए है उसको आपको अभी बता दूंगा आप यहां पर उसको लिख लीजिएगा उन्होंने उठा दिया कि भाई देखो कुछ दिन पहले भी हमने आपको पढ़ाया था आज भी उसी का जिक्र आया है एक रिसर्च है डेटा है उसके बेस पर ही कहा गया है कि जो महिलाएं हैं वो बहुत सा अनपेड वर्क करती हैं महिलाएं बहुत सा अनपेड वर्क यानी ये जो घर में सेवा कर रही नहीं ये तो मान लीजिए अनपेड है ही यानी वो फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेट करती हैं बट वो सैलरी नहीं लेती है क्या नहीं लेती है वो बेहतर नहीं लेती है तो अगर ऐसी स्थिति है डेटा पॉइंट कहता है कि ऐसा है तो अब कि कामकाजी महिला को फेयर डील नहीं मिल रही है लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे वर्किंग वुमेन है लेकिन उसे फेयर डील क्योंकि उसे सैलरी नहीं मिल रही तो ये बात यहां पर डिस्कस की गई है तीन अब इसके बाद आ जाते हैं तो इसको एज एग्जाम्पल जीएस वन सोसाइटी रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो आप और इकोनॉमी तो है संगठन हो गया तो कोई भी क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के रूप में डेटा को आप यूज कर सकते हैं it, इसकी इतनी ही क्षमता है अब एन इंप्रूवमेंट यानी ये कहा गया चलो भाई दुनिया में सबसे कम है पूरे ग्लोबल स्तर पर महिलाओं की कम है ऑब इंडिया की की तो एकदम से कम है अब आता है आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की कार्य भागीदारी में सुधार हुआ है याद रखिएगा यानी पहले बहुत कम था अब 26 है तो सुधार हुआ है ये अच्छी बात है बट भागीदारी बहुत कम है बट सुधार हुआ तो ये यहां पर कहा गया अब उसके बाद यहां पर आता है जो मुद्दा एडिटोरियल राइटर ने उठाया है वही जो 2012 वाले हिस्से में कनेक्ट होगा कि अनपेड हेल्पर्स इन इंडियन डेटा तो भारतीय जो डेटा उसमें अवैतनिक सहायकों का मुद्दा आप देख सकते हैं सैलरी नहीं लेते हैं बट हेल्प करते हैं जरा इसको समझिएगा जो अनपेड हेल्पर होते हैं उसको भारत में क्या रोजगार के रूप में जोड़ा जाता है यानी आप काम कर रहे हैं और अगर आपको वेतन नहीं मिल रहा है तो भारत में उसको भी माना जाता है कि आप रोजगार में हैं, लेकिन ग्लोबल प्रैक्टिस यानी अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उसकी डेफिनेशन में अगर सैलरी मिल रही है तभी आपको क्या माना जाएगा कि आप काम करने वाले हैं यानी आप एक लेबर हैं अन्यथा आपको नहीं माना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो यह बहुत बड़ा एक मुद्दा है और इस मुद्दे के कारण ही मैंने 2012 हजार बारह कराया था कि कामकाजी महिलाओं के साथ न्यायोचित बर्ताव नहीं हो रहा है यानी हम यानी हिंदुस्तान रोजगार के डेटा में पारिवारिक उद्यमों में अवैतनिक सहायकों को शामिल कर लेते हैं यानी जब हम भारत की सरकार जो डेटा निकालती है रोजगार का तो अनपेड हेल्पर्स को हम फैमिली जो अनपेड हेल्पर्स होते हैं फैमिली उद्यम में मान लीजिए आपका कोई परिवार आप कोई उद्योग चला रहे मान लीजिए आपने पोल्ट्री फार्म खोला हुआ जहां पर मेल और फीमेल दोनों काम कर रहे तो हम अनपेड हेल्पर जो महिलाएं उस पोल्ट्री फार्म में बिना पैसे के काम कर रही हैं अपने पारिवारिक बिजनेस में हम उसको भी अपने यहां इंप्लॉयमेंट में काउंट कर लेते हैं याद रखिएगा लेकिन आई जो ग्लोबल स्टैंडर्ड अपनाता है कि किसको हम रोजगार डेटा में शामिल करें तो केवल याद रखिएगा जिन लोगों को कोई इनकम प्राप्त नहीं होती है उन्हें वह रोजगार में काउंट नहीं करता लेकिन हम कर लेते तो यह हमारी एक चिंता है याद रखिएगा तो भारत में पारिवारिक उद्यमों में जो अवैतनिक सहायक हैं उनको रोजगार डेटा में शामिल किया गया है और यह क्यों किया गया है आप कहेंगे तो जबरदस्ती नहीं भाई क्योंकि हमारा जो बेस है वो ये मानता है कि आर्थिक गतिविधि में चूंकि उनका योगदान है इसलिए हम उनको इसमें यानी रोजगार में शामिल करते हैं क्योंकि उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी में रोल होता है तो अब लेखक यहां पर एंट्री मार गए उन्होंने कहा भाई ये गलत तर्क है ठीक है ना ये बिल्कुल ही गलत तर्क है हमें इस पर विचार करना चाहिए ये सारी बातें आपको बताई गई और फिर बताया गया कि पिछले दशक में जो अवैतनिक महिला श्रमिकों का अनुपात अठारह परसेंट से ज्यादा हो गया है याद रखिएगा यानी हमारे यहां अवैतनिक कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही तो ये जो डेटा है इसके आधार पर क्या आप लिख पाएंगे कि नहीं कामकाजी महिलाएं यानी 2012 का ये ऐसे कामकाज और घर की संभाल यानी जो मैनेजिंग वर्क तो जो यानी फैमिली बिजनेस में भागीदारी कर रही है तो क्या उनके बारे में हम लिख सकते हैं कि वह फेयर डील यानी न्यायोचित बर्ताव प्राप्त करिए आप कहेंगे नहीं वो डेटा तो यही कह रहा है याद रखिएगा ठीक है तो ये पॉइंट आपके सामने आ गया ऐसे ही देखिए

आपको जो यूज करना वो मैंने आपको बता दिया बाकी बस ऐसे ही इंजॉय करके इसको पढ़ लीजिएगा तो इसका मतलब है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है इसका डिटरमिनेंट कौन होता है बताइए यानी पूरा एक एक स्लाइड नहीं पढ़नी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यानी जो आईक्यू आई पी कराता हूं उसके अकॉर्डिंग जो जो है वही पढ़ना है बाकी क्या भाड़ में हमसे क्या ही मतलब है अभी तो हमारा रिजल्ट से मतलब है बात खत्म हो गई भाई ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं एन फॉर वैल्यूज एथिक्स इन हायर एजुकेशन तो आइए देखिए उच्च शिक्षा में मूल्य और नैतिकता के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास ये अच्छी चीज है इसको एथिक्स के लिए मैंने लगा दिया है हालांकि सोशल ज, ज, जस्टिस के लिए भी लगा लेकिन पहले न्यूज बताता हूं फिर उसके बाद आता हूं यहां से यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन्होंने अभी एक इनिशिएटिव शुरू किया है एक पहल शुरू की है मूल्य प्रवाह 2.0 क्या है मूल्य प्रवाह 2.0 मेरे प्यारे बच्चों और यह क्या है? कुछ गाइडलाइन है जो हायर एजुकेशन में फॉलो की जाएंगी बस मूल्य प्रवाह यानी मूल्यों को प्रवाहित कर दीजिए सिंपल 2.0 पॉइंट शुरू किया गया है ठीक है तो सबसे पहले 2019 में इसे नोटिफाई किया गया था मूल्य प्रवाह को अब 2019 के बाद 2024 में अब इसका दूसरा संस्करण जारी कर दिया गया है पहले मैं 2013 का एक क्वेश्चन लिख देता हूं 2022 का एक क्वेश्चन इथिक्स का लिख देता हूं ठीक है ना 2013 आपसे पूछे पूछा था कि मूल्यवान नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं आप क्या समझते हैं आपसे यह पूछा और उसके बाद आपसे पूछा कि प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसी के साथ प्रोफेशनल इथिक्स यानी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसी के साथ आपको एथिकल होना साथ क्यों होना चाहिए व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक क्यों होना चाहिए यानी मान लीजिए कि आप व्यवसायिक रूप से बहुत सक्षम है ठीक है बट आप में इंटीग्रिटी नहीं है सत्यनिष्ठा नहीं है तो अकॉर्डिंग टू कि अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप कंपनी में रखते हैं जिसमें बिजडम और एनर्जी खूब है खूब बुद्धिमान है खूब ऊर्जावान है बट उसमें इंटीग्रिटी नहीं तो क्या करेगा इन साइडर सूचना है, करेगा, ठीक है आपको किसी भी समय बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है कंपनी में करप्शन बढ़ा सकता है तो यहां पर वही चीज है इस प्रश्न में पूछा गया था कि भाई व्यावसायिक सक्षम है आप यानी कंपनी खड़ी कर सकते हैं लेकिन अगर नैतिक नहीं है तो क्या होगा आप गलत वैल्यूएशन दिखाएंगे और एक दिन आपकी कंपनी क्या हो जाएगी डूब जाएगी सिंपल सी बात है तो इसीलिए व्यावसायिक रूप से सक्षम होना महत्वपूर्ण लेकिन नैतिक होना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप नैतिक रहेंगे तो आप कोई भी रॉन्ग प्रैक्टिस गलत अभ्यास नहीं करेंगे जिससे लॉन्ग टर्म में आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे अपनी कंपनी को बड़ा कर पाएंगे अपनी इंडस्ट्री को बड़ा कर पाएंगे सिंपल सी बात तो यहां पर जो मूल्य प्रवाह 2.0 हमने शुरू किया दो हजार में भी सेम क्वेश्चन आया तो इसका जो एम है वो यही है कि हम कैसे प्रोफेशनल प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसी के साथ साथ हम प्रोफेशनली एथिकल भी हो सके मूल्य प्रवाह इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने रखा गया है यूजीसी के द्वारा 2019 में और अब उसका दूसरा संस्करण अब 2024 में हमारे सामने रखा गया जिसका उद्देश्य है टू इनकल्केट ह्यूमन वैल्यूज देख लीजिए आप एंड प्रोफेशनल एथिक्स देख लीजिए भैया इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उच्च शिक्षा संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को विकसित करना मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं आप तो में इसको ताबड़तोड़ यूज करेंगे कि नहीं करेंगे और अब कैसे विकसित किया जाएगा तो भाई जो हमारे हायर एजुकेशन लेने वाले छात्र उनके अंदर फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं उसके प्रति वो सम्मान रखें यह डेवलप किया जाएगा किसके द्वारा जितने भी हायर इंस्टीट्यूशन हैं और जितने भी यानी विद्यार्थी हैं उनके अंदर क्या क्या विकसित किया जाएगा आप देख सकते हैं इसको आप याद रख सकते हैं ठीक है ना ठीक है सब कुछ यहां लिखा हुआ है यानी क्या क्या यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू जो होते हैं सार्वभौमिक जो मानवीय मूल्य होते हैं जैसे ट्रुथ यानी सत्य राइटर्स कंडक्ट यानी धार्मिक आचरण पीस यानी शांति लव यानी प्रेम नॉन वायलेंस यानी अहिंसा साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक मानसिकता सिटीजनशिप वैल्यू एक नागरिक होने के कारण भारत के के सभी प्रकार के प्रतीकों का सम्मान ये क्या है सिटीजनशिप वैल्यू एंड आल्सो लाइफ स्किल यानी लाइफ स्किल मेरे प्यारे बच्चों जीवन कौशल जीवन को वही लोग बेहतर जी पाते हैं जिनमें जीवन कौशल होता तो प्लीज इसको आप पढ़ लीजिए इसको यूज करेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों कहां पर जैसे 2015 में ये इसे पूछा था एजुकेशन विदाउट से वंचित शिक्षा को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती आप लिखेंगे इसी बात को ध्यान में रखकर के यानी आज की शिक्षा मूल्यों से वंचित है इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने मूल्य प्रवाह 2.0 गाइडलाइन जारी किया है जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को विकसित करना अब आप सोचो इस निबंध की शुरुआत हो गई कि नहीं हो गई जरा देखिएगा बताइए शुरुआत हो गई कि नहीं हो गई आया कि नहीं प्रेरणा 2.0 आपने यूज कर लिया कि नहीं आईक्यूआईपी हो गया कि नहीं बस यही है यूपीएससी बच्चे और कुछ नहीं है फिर इसके बाद देख सकते हैं एजुकेशन 2023 में आया एजुकेशन इज वॉट रिमेन आफ्टर वन हैज फॉरगटन वॉट वन है स्कूल शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है तो यही यानी प्रेरणा टू के द्वारा जो हम मूल्यों वाली शिक्षा ह्यूमन बैलूज और प्रोफेशनल एथिक्स की जो शिक्षा दे रहे हैं यही शिक्षा है जो विद्यालय छूट जाने के बाद भी हमेशा आपके साथ रहती है और प्रेरणा टू पॉइंट जीरो इसीलिए यूजीसी ने प्रस्तावित किया प्रपोज किया है आप यहां पर डाल सकते हैं डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते सोचिए तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें आपको लाइफ में बड़ा बनाती है रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखिए इथिक्स में इन इनकलकेटिंग वैल्यू अब देख लो भैया यानी क्या करना है मूल्य विकसित करने में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका आप इनकल्केटिंग वैल्यूज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकल्केटिंग वैल्यू आइए पढ़िए तो क्या है ये उद्देश्य टू ह्यूमन वैल्यू वही लाइन आ रही जो सिलेबस में लिखी हुई टू इनकलकेट ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं ठीक है यहाँ हायर एजुकेशन है वहां शैक्षणिक से, संस्थाओं में आल सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्था तो आप देख सकते हैं यानी यहां पर एक स्टेटमेंट 2017 में आपसे पूछा यह रिपीट भी किया इक्कीस या बाईस में फिर से पूछा गया मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनोवाला बनाना है तो उसमें समाज के तीन प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं इफ अ कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम अ नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स आई स्ट्रांगली फील देयर आर थ्री की सोसाइटल मेंबर्स कैन मेक अ डिफरेंस वे हैं पिता माता एम शिक्षक दे आर फादर द मदर एंड द टीचर देख लीजिए आप द टीचर तो ये ऑब्वियसली यूजीसी शुरू कर रहा है डेवलप तो करेगा टीचर ही तो इसीलिए यानी टीचर एक बड़ा चेंज ला सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर के इस स्टेटमेंट से प्रिंसिपल लेते हुए यूजीसी ने प्रेरणा टू पॉइंट जो शुरू किया है जिसका लक्ष्य ही है यानी ऐसे मानव बनाना जो मूल्यों से और नैतिकता के सिद्धांत से अपने जीवन को आगे चलाते हैं आप यहां पर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? आप स्वयं विचार कीजिए फिर इसके बाद आता है सोशल जस्टिस अब एजुकेशन पर कुछ भी आएगा प्रश्न लिखिएगा कोई सा भी प्रश्न एजुकेशन पर शिक्षा पर जीएस टू में तो आप प्रेरणा टू पॉइंट सॉरी टू पॉइंट जीरो और प्रेरणा वन पॉइंट जीरो को भी एग्जाम्पल के रूप में कोट कर दीजिएगा कि शिक्षा के साथ साथ अब आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी शिक्षा जो मूल्यों वाली हो ठीक है तो बस आप लिख लीजिएगा ऐसी गाइडलाइन की जरूरत क्यों थी अब यह भी आपके मन में आएगा भाई यूजीसी को ऐसा क्यों करना पड़ा तो भैया हायरिंग में नियुक्ति में ट्रेनिंग में प्रशिक्षण में वेतन में प्रमोशन में पक्षपात होता है सेक्सुअल हेरसमेंट यौन उत्पीड़न होते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है प्रमोशन में महिलाओं को जल्दी प्रमोशन नहीं मिलता इनकसिस्टेंट बी डिसिप्लिन अनुशासन अच्छा नहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता का अभाव है जेंडर डेफरेंशिएशन इन कंपनसेशन मुआवजे में भी लिंग भेद है तो इस प्रकार की कमियां हैं हायर एजुकेशन में इन्हीं को ध्यान में रखकर के उसे लाया गया है बस इतना ही आपको ध्यान में रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों इसको आप पढ़ लीजिएगा बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है ठीक है बाकी और कुछ भी नहीं है बस इसकी कुछ कमियों का भी जिक्र किया गया है मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ना तो कहीं ना कहीं इसमें यह कहा गया है कि यूनियन से कहा गया नहीं, जो स्टूडेंट यूनियन होते हैं तो जो कर्मचारियों के यूनियन होते हैं जो स्टूडेंट के यूनियन होते हैं ना जैसे एबीबीपी और एनएसू इस प्रकार तो वो उनसे कहा गया है कि वो भी इसमें अपना पूरा का पूरा सहयोग करें और सहयोग करने का मतलब जो धरना प्रदर्शन करते हैं, वो सब ना करें तो लेखक ने उस पर प्रश्न उठाया कि नहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनको अपनी बातें उठाने का हक है अब अंतिम में आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी 2020 भारतीय और नैतिकता देख सकते हैं को बढ़ावा देने की बात करती है और इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हम प्रवाह टू पॉइंट को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं इंटरव्यू डे थर्टी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दो प्रश्न इंटरव्यू के लिए जिसको आपको करनी है प्रैक्टिस क्या आप स्वयं को मानवीय मूल्य और पेशेवर नैतिकता वाला व्यक्ति मानते हैं डू यू कंसिडर यूर सेल्फ ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल इथिक्स दूसरा क्वेश्चन है वाट स्टेप्स डिल यू टेक टू इनकलकेट ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल इथिक्स इन स्टूडेंट्स इन योर डिस्ट्रिक्ट आप अपने जिले में छात्रों में मानवीय मूल्यों और व्यवसायिक नैतिकता को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे ठीक है अब इसके बाद आ जाता है अगला टॉपिक जो कि है प्रिलिम्स का पूरा का पूरा एकदम भयंकर संग्रह जीआई टैग आप देख सकते हैं तो जीएस वन ठीक है भारत की विविधता को ये बताते हैं जो जीआई जी टैग मिले हैं ये भारतीय समाज की विविधता को कि भारतीय समाज में कितनी विविधता है जिसकी अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है यानी आर्थिक महत्व भी है बट हम पढ़ेंगे प्रिलिम्स के लिए चार जनवरी को हमने तो केवल उड़ीसा का पढ़ा चुकी उड़ीसा का ही आया था सत्रह प्रोडक्ट छह राज्यों के और यूटीज के जिनको जीआई टैग मिला है सात पर हम चर्चा कर चुके हैं भैया यानी उड़ीसा वाले हम इनकी चर्चा कर चुके हैं अब आते हैं यानी अरुणाचल प्रदेश से किसको किसको मिला है तो वांचो उड़न क्राफ्ट लकड़ी का शिल्प इसके अलावा आदि केकीर ठीक है यह अदरक है वहां का इसके अलावा हैंडमेड कार्पेट यानी हस्त निर्मित काल, यह अरुणाचल प्रदेश फिर जम्मू कश्मीर से किस को मिला राम बन अनुजरात से किस मिला सब डिटेल है टेंशन नहीं लेना है वो आपको खुद पढ़ना है पश्चिम बंगाल से किले, किसे मिला है तंगेल साड़ी को वहां की गारद रेशम साड़ियों को कोरियल साड़ी को इसके अलावा कलो नूनिया चावल को राइस को सुंदर बन की हनी यानी शहद को इसको भी मिला है जीआई टैग क्यों मिलता है पढ़ सकते हैं बहुत अच्छा हाँ, एक चीज है अब आप यहां से देखें कि एग्रीकल्चर में कितनी वस्तुएं को जीआई टैग है फूड स्टप में कितना है हैंडक्राफ्ट में सबसे ज्यादा ये प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा सबसे ज्यादा हस्तशिल्प की चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है क्या ये फैक्ट पता था दूसरे नंबर पे कृषि उत्पाद है और तीसरे चौथे पर आप यहां से देख सकते हैं तो राज्यों में जीआई टैग भारत के प्रत्येक अभी यही सब प्रीलिम्स में आता है आपको क्या पता है भारत के सभी राज्यों के पास कम से कम एक जीआई टैग है बिल्कुल है सबसे ज्यादा किसके पास है तमिलनाडु के पास सिक्सटी वन सेकेंड के कौन है यूपी नंबर दो छप्पन तो किस राज्य के पास कितना है यूपी कर्नाटका केरला महाराष्ट्र ये आपका काम है सब पढ़ लीजिएगा चार टू मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ना फिर तमिलनाडु उत्तराखंड इस, इस तमिल, को, कितना मिला, को कितना मिला, जी आई टेक तीन को मिला है यह मैप में आप अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं अभी आपका काम है वांचो क्राफ्ट, सारी डिटेल मैंने दे दी है अरुणाचल प्रदेश का यह मैप भी आपके सामने रख दिया है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप फंसे ना आप देख सकते हैं इसके अलावा आदि की क्रिया एक प्रकार का अदरक है आप देख सकते हैं इसके अलावा हैंडमेड कार्पेट्स है अब आता है जम्मू कश्मीर से राम अनारदाना ये क्या है आप यहां से देख सकते हैं फिर इसके बाद गुजरात से गुजरात यहां है कच्ची खरे कच्ची खरे के बारे में सारी जानकारी आपको यहां दे दी गई है पश्चिम बंगाल से जीआई टैग किसको किसको मिला है पश्चिम बंगाल या राम मैप में और बंगाल की तंगेल साड़ी सबके बारे में गारद रेशम साड़ियां कोरियल साड़ी कलो नूनिया चावल सुंदरबन की शहर आप इसे पढ़ सकते हैं और आप देखें कि कितना बढ़िया कंटेंट है और कितने बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी को यही यही यानी द हिंदू के इस एडिटोरियल एनालिसिस से ही अपनी तैयारी को एक सालों में कितना मेच्योर कर सकते हैं अब आता फर्स्ट यूएस लूनर लैंडर सिंस 1972, यानी 1972 के बाद पहला अमेरिकी चंद्र लैंडर लॉन्च किया गया है तो प्रीलिम्स के लिए इसे हमें पढ़ना है बस केवल द ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष का तीव्र आकर्षण दो में इसे में पूछ लिया गया था ऐसा कुछ आता है तो आप पढ़ लीजिएगा जनवरी एक बड़ा दिन रहा है यूएस की प्राइवेट कंपनी याद रखिएगा वहां लिख देगा प्रीलिम्स में कि भाई सरकार नहीं एक निजी अमेरिकी कंपनी द्वारा एक अंतरिक्ष यानी स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा और जिसको लॉन्च किया गया उस मिशन का नाम क्या था पेरीग्रीन मिशन वन तो इसको आप याद रखिएगा लूनर के लिए है ये अमेरिका की निजी कंपनी ने लॉन्च किया है यह या 50 यानी उन्नीस के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिका यंत्रिक यान होगा पेरीग्रीन मिशन प्लीज इसको याद रख लीजिएगा बस बाकी इसमें अंदर कुछ भी आप नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है बस यही आप एक चीज केवल पढ़ लीजिएगा महत्व क्या है वहां पर खोज वोज करेगा कोई मतलब नहीं है ठीक है चंद्रमा की खोज उन्नीस ये सब आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है मुहिम मुहिम में में आते हैं अब में, इंडिया मालदीप टाई इंडिया मालदीव टाई आप देख सकते हैं इसराइल ने क्या किया है एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारत लक्षद्वीप को यानी क्या कर दिया है उसको ट्वीट कर दिया है क्योंकि मालदीव ने इसराइल को लेकर के इंडिया को ट्रोल किया था तो फिर इसराइल आ गया है लक्षद्वीप को ही फोकस कर रहा भाई ट्रेवलिंग के लिए टूरिज्म के लिए ये अच्छा प्लेस है ठीक है, चर्चा चल रही है। थोड़ा के लिए पढ़ ने और यह महत्वपूर्ण है तो यह आप याद रखिएगा काउंटर ड्रोन सिस्टम डेवलप बाय और द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ बस इसको आप एक पॉइंट याद रख करके पढ़ लीजिएगा और फिर से यानी बड़ी खुशी की बात कि बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना की वापसी हुई है इंडिया बांग्लादेश टाई हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा बाकी तो देख सकते हैं कल हमारे यहाँ गेम करके और फिर पहुंच गए हैं चाइना उसके बाद कौन है किसका पपेट आप देख सकते हैं बाकी और कुछ भी नहीं बाकी है महापैक जो भी बच्चे एडमिशन लें मैं यही कहना चाहता हूं वो महापैक के ही थ्रू आए चूकि फिर कोई भी कोर्स लॉन्च होगा उसका आप हिस्सा रहेंगे चाहे अभी प्री के बाद एंसर राइटिंग एंड सोन जो भी तो इसी में आप एडमिशन लें वो ज्यादा आपके लिए सेफ रहेगा फिर इधर उधर कहीं से परेशान होने की जरूरत नहीं लिया पढ़ा और खुद भी पढ़ा औरों को भी पढ़ा ऑप्शनल वगैरह सब शामिल है तो थैंक यू सो मच जय हिंद बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत आशीर्वाद थैंक यू बट रे, रेडी रहिएगा कल रात को हम लोग फ्री हो रहे हैं उसके बाद शाम को छह बजे मैं एक्टिव हो रहा हूं जिसमें एडिटेड वीडियोज आएंगे शुरू में तो अभी मुझे ऐसे ही आना पड़ेगा चूंकि एडिटर की खोज सक्रिय रूप से चल रही है अगर आप लोगों में कोई बेहतर एडिट जो एडिटर हो वीडियो एडिटर की बात मैं कर रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे और कोई न कोई आपसे कनेक्ट कर लेगा हमारी टीम का आपके जानने वाले कोई भी अच्छे एडिटर जो बट हाँ उनको दिल्ली नगर से काम करना पड़ेगा तो अच्छे एडिटर मतलब क्लास जिनमें हो वीडियो को बहुत अच्छे से एडिट कर सके हम लो, लोग कई लोगों का इंटरव्यू ले चुके हैं एक दो अगर आपकी तरफ से आए और खासकर जो इस फील्ड से जुड़े हैं यूपीएससी की तैयारी से तो बहुत बढ़िया है बेहतर ढंग से हमारे साथ यहाँ पर एक रोज़गार ले सकते हैं थैंक यू सो मच